निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। परसों नगर निगम अजमेर के आरएस अधिकारी अशोक कुमार मीणा जी द्वारा जो सुशील पाल जी पे मारपीट MTTV इंडिया के संपादक के साथ जो मारपीट हुई थी उनके रिगार्डिंग हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं कि जो हरकत उन्होंने की है, जो शर्मसार उन्होंने पूरे नगर निगम को नहीं पूरे अजमेर को किया है वो बहुत ही गलत है। जो लोकतंत्र पर चौथा हमला उन्होंने किया है बहुत गलत है। आम जनता अगर अपनी राय या अपनी बात वहाँ नहीं रखेगी तो किसके सामने रखेगी। जो उनकी वे ऑफ टॉकिंग थी, जो बात करने का तरीका था बहुत गलत था। वो उनको यह लगता है कि वो उपायुक्त नहीं है, किसी गर्म दल के नेता है। उनको यह लगता है कि वो जज है। जो वे ऑफ टॉकिंग, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी, किसी अधिकारी की नीति, ऐसे लगता है कोई गुंडागर्दी वहाँ पर कर रहे हैं, जो सरासर गलत था। उनको अब मालूम होना चाहिए कि वो एक अधिकारी लेवल के आदमी है। आम जनता उनके पास में आती है तो किस प्रकार से बात की जाती है और नहीं की जाती है। हम इसी संबंध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो हरकतें उन्होंने की हैं उनको बाकायदा बर्खास्त किया जाना चाहिए। अजमेर में तो क्या, उनको कहां पर भी रहने का अधिकार नहीं है। इस बात को लेकर 3 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सर, साफ साफ मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी इस चीज़ में लिपापोती कर रहे हैं, सरकार भी इस चीज़ में लिपापोती कर रहे हैं। सारी समाज सेवाएँ संस्थाएँ यहाँ पर हैं। हम ये सरकार को भी और प्रशासन को भी हम ये बात बता देना चाहते हैं कि हम बहुत शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। और बहुत ही अगर आम पब्लिक और सारी संस्थाएं अगर उग्र हो गई तो आप देख लेना क्या हो गया। हम ये चाहते हैं कि बड़े शांतिप्रिय तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं और उसी लेवल में हमें जवाब चाहिए। अगर 2 या 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करेगी और बहुत सारे साधन हैं अपने हिसाब से फिर हम रोहित कुमार छिपा उपाध्यक्ष एक उड़ान कलेक्टर में हम ये ज्ञापन देने आए हैं जो कांजिया हाउस में मर रही गायों के बाबत में देने आए तो उन जो मीडिया कर्मी के ऊपर हमला हुआ उसके बारे में बताने आए थे, ज्ञापन देने आए हैं कि जो उन्होंने किया जो गलत है नगर निगम में, अगर इसी तरह की हरकत हर कोई आला अधिकारी करता रहेगा मीडिया कर्मी के साथ तो बहुत शर्मनाक है और आगे बढ़ने में सहायक है मीडिया कर्मी। आम जन का क्या होगा जब मीडिया कर्मियों के साथ ही ऐसा हो रहा है तो फिर आम जन का साथ क्या होगा। नगर परिषद में गड़ी नगर इन्होंने तो कलेक्टर साहब ने तो ज्ञापन दिया, मतलब बताया है कि आश्वासन दिया है खाली कि उचित कार्रवाई होगी। एक उड़ान मासूमों के नाम वर्षा कुमार। दो दिन पूर्व जो नगर परिषद में घटना हुई बड़ी शर्मसार करती है अजमेर शहर नहीं पूरे हिंदुस्तान में शर्मसार घटना है। RS ऑफिसर लेवल का जो ऑफिसर बैठा है नगर निगम में, जिसने सुशील पाल जो कि MMTV के संपादक हैं उनके ऊपर जो हाथापाई करी है, बड़ी शर्म आनी चाहिए ऐसे RS ऑफिसर को कि वो RS ऑफिसर है या गुंडे बैठे हैं नगर निगम में। अगर मीडिया कर्मी के साथ ऐसे हाथापाई हो रही है तो आम जन के साथ क्या वहाँ व्यवहार होता होगा, दुर्व्यवहार। शांतिपुर हम लोग वहाँ ज्ञापन देने गए थे गाय के लिए कि साहब इसकी पूर्ण तरीके से जाँच रिपोर्ट हो। जो कांजी हाउस में प्रतिदिन एक गाय वहाँ मर रही है तो वही कांजी हाउस प्रतिदिन मतलब कि गरीब आदमी से 5,000-5,600 रुपये कुछ शुल्क लेके और उनकी गायों की सेवा के लिए जो शुल्क लिया जाता है वो सेवा का शुल्क कहाँ जा रहा। तो हमने इसके लिए RS मीणा साहब के पास गए थे पूछने की साहब इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने बातें करते करते उन्होंने हमसे बदतमीजी से बात करने चालू कर दी। बदतमीजी से बात करने लग गया तो पाल साहब को कहा कि अब आपका कैमरा नीचे करो। तो पाल जी ने सुशील पाल जी ने एक ही कहा, सर मैं मीडिया कर्मी हूँ, मेरा काम है, मेरा वर्क है कि मैं उसको दिखाऊँ पब्लिक को कि क्या आई है, जब आप आम जनता के साथ क्या मतलब की हो रहा है। तो उन्होंने धक्का मुक्की करने लगे, कैमरे के साथ हाथापाई करने, कैमरे इनको कैमरा तोड़ने की कोशिश करी एवं सुशील पाल के ऊपर झापट मारी। तो उसके घोर विरोध में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए कि इसके ऊपर पूर्ण तरीके से विचार करके उचित से उचित कार्रवाई करें। जो कि मीणा साहब कह रहे हैं कि STSC एवं राजकीय बाधा का मुकदमा दर्ज करेंगे, जबकि बाधा का तो उन्होंने राजकीय बाधा उन्होंने करी है, पाल साहब ने करी है, बाधा तो उन्होंने करी है। आप ऑफिसियल रैंक के आदमी होके अगर एक मीडिया कर्मी के ऊपर हाथ उठा रहे तो आम आदमी जनता के ऊपर क्या हल होगा। तो उसके विरोध में हम ज्ञापन देना है। मैं आशीष सोनी एक उड़ान मासूम। 3 दिन हो गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, आज कलेक्टर साहब ने हमको बिल्कुल पूर्ण तरीके से आश्वासन दिया है, पूर्ण तरीके से आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर पूरी जांच रिपोर्ट बिठाई जाएगी। मैंने कलेक्टर साहब को कहा सर वहाँ STSC एवं राजकीय बाधा का मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है, तो कलेक्टर साहब ने बिल्कुल नकारा है कि ऐसे हम ऐसे कार्रवाई होने भी नहीं देंगे और इसकी पूरी जाँच रिपोर्ट बैठा के कार्रवाई करेंगे। आशीष सोनी एक उड़ान मासूमों के नाम संस्था।